क्लाइमेट चेंज एक फैक्ट है अभी इन दिनों में, और हम देख रहे हैं चूंकि 2019 में मेस्कर्दो आया, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन विंटर्स में मैंने देखे हैं, और इस वक्त जो है एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन हम समर में देख रहे हैं। पुराने ज़माने में ठंड कम होती थी, अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। पुराने ज़माने में यहाँ गर्मी कम होती थी, फैंस नहीं लगाते थे लोग, अब लोगों ने फैंस लगाने शुरू किए हैं, एसीज पे जाना शुरू किए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इस दफ़ा सर्दियों का ड्यूरेशन बहुत बढ़ा। पहले नॉर्मली हमारे यहाँ पे मार्च में सोइंग एग्रीकल्चर का स्टार्ट होता था, लेकिन इस साल जो है मई के सेकेंड वीक तक जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्नो मेल्ट बहुत लेट हुआ और जो विंटर सीज़न है बहुत प्रोलॉन्ग हुआ। इसी हिसाब से जो आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग है वो टाइम भी जो है ना, एक तो हार्वेस्टिंग कम भी हुई है और उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम भी जो है बहुत आगे चला गया, जिसकी वजह से जो बुनियादी जो लाइवलीहुड का सोर्स एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा जो है इस पे इफेक्ट पड़ा है। जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी इस पूरे एरिया में है, शॉर्टेज ऑफ वाटर आपको हर जगह नज़र आ जाएगी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पुराने आबादी जहाँ पे उन्होंने आबादी की हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम वेलीस ऐसे हैं जहाँ पे स्प्रिंग वाटर हो, ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो स्नो मेल्ट वाटर पे होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्दियों ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी प्रोलॉन्ग होने की वजह से स्नो मेल्टिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट नहीं होता और नीचे वाटर जो है नालों में पानी बहुत शॉर्ट होता है। समर सीज़न है बहुत शॉर्ट हो गया और उसमें बहुत शिद्दत की गर्मी होती है और उसमें एकदम से स्नो मेल्ट होता है, तो जितना वाटर मेल्ट होता है रन ऑफ वाटर चला जाता है, उसको टोटली जो कम्युनिटी है उसके जो कैचमेंट एरिया में वो हार्वेस्ट नहीं कर सकती। मेस्कर्दो में आपका जो रिवर लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, नालों में आपके पानी का लेवल बढ़ गया है। पहले ये होता था कि एक साइकिल चल रहा होता, 2005 में फ्लडिंग हुई, फिर मैसिव फ्लड आपके 2010 में हुई, फिर हमने 2015 में देखा, 2015 के बाद हर साल हम फ्लड्स देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट्स अब यूँ आना शुरू हो गए हैं, बजाय एक इंटरवल के बाद आने के अब ये ग्रेजुअली आना शुरू हो गया। हमारी कोशिश है कम्युनिटी को हम लोग आगाह कराएं कि कितना वर्स सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जो है कम्युनिटी इस चीज़ को रियलाइज कर रही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी और प्लस जो है यहाँ पे जो उनके दूसरे लेवलीहुड की चीज़ें वो डिस्टर्ब हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारे जगहों पे इनके जो स्ट्रक्चर्स है, जो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये टोटली चेंज हो गए। पहले लोग ये करते थे आरसीसी पे आए थे, अब आरसीसी चूंकि वो डिज़ास्टर के लिए इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, अब वो ट्रेडिशनल उस पे दोबारा चले जा रहे हैं, रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अपने जो बेस है आपके मकान के उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है। पहले डिज़ास्टर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था। 2005 के जो मैसिव अर्थक्वेक है आपके कश्मीर के अंदर, उसके बाद आपका ऑर्डिनेंस बना, उसके बाद एनडीएमए बना, फिर जीबीडीएमए बना, फिर डीडीएमएस बने, अब तहसील डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तक लोग जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पता चल रहा है कि डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर है और उसके लिए मिटिगेशन की ज़रूरत है।